हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, आप सभी का स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक अमेजिंग टॉपिक के बारे में जिसका नाम है ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप MLM कंपनी शुरू कर रहे हो तो आपके पास ग्रोथ कैसे लाना है उसका नॉलेज भी होना चाहिए, और दोस्तों उस ग्रोथ की स्टेबिलिटी कैसे लाना है वो भी आपको दोस्तों ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोस्तों इन दोनों के ऊपर ही आपकी कंपनी का भविष्य डिपेंड करता है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रोथ वर्सेस स्टेबिलिटी। मैं आपको दोस्तों एग्जांपल देना चाहूंगा कि एक रॉकेट जब पृथ्वी से ऑर्बिट क्रॉस करके जीरो ग्रेविटी में जाता है तो उसके लिए अर्थ ग्लोब की ऑर्बिट तक पहुंचने के लिए उसको फ्यूल की बहुत आवश्यकता पड़ती है, बहुत जरूरत पड़ती है। लेकिन दोस्तों एक बार अर्थ ग्लोब के ऑर्बिट को क्रॉस कर दिया उसके बाद उसको जीरो ग्रेविटी में आगे जाने के लिए फ्यूल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जी हाँ दोस्तों, एक बार ऑर्बिट क्रॉस कर लिया अब तो दोस्तों वो सोलर पैनल से भी चल सकता है। ओके, तो जब आप रॉकेट छोड़ते हैं अवकाश में जीरो ग्रेविटी में, तो दोस्तों उस वक्त ग्रोथ चाहिए। एक बार ऑर्बिट तक पहुंच गए तो फिर स्टेबिलिटी आपको रखना है और पृथ्वी की चारों तरफ आपको घूमना है। तो इस तरीके से हम आपको MLM कंपनी में भी, आप डायरेक्ट सेल कंपनी शुरू करते हो दोस्तों, उसमें भी ग्रोथ और स्टेबिलिटी का इतना ही इंपॉर्टेंस है। आइए हम देखते हैं ग्रोथ और स्टेबिलिटी को थोड़ा डीप में। तो दोस्तों यहाँ पे ग्राफ दिया गया है, दोस्तों यहाँ पे ये ज्वाइनिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ है। जी हाँ दोस्तों, ये दोस्तों ज्वाइनिंग वर्सेस टाइम का ग्राफ है। यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हो, अगर कंपनी की शुरुआत है तो दोस्तों शुरुआत में ये ज़ीरो है, ज्वाइनिंग भी ज़ीरो है और टाइम भी ज़ीरो है। जैसे जैसे टाइम जाएगा वैसे वैसे आपकी ज्वाइनिंग्स बढ़ने वाली है, और ये जो है ये हमारा एक्चुअली ग्राफ है। ठीक है, अब एक्चुअली ये जाता कैसे है, ऐसे करके ऐसे जाता है, लेकिन हमने एक एग्जाम्पल दिया है कि एक समय ऐसा आता है जिस पे आपकी ज्वाइनिंग जो है वो स्टेबल हो जाती है। मतलब कि जितने लोग कंपनी में आ रहे हैं उतने ही लोग कंपनी को ड्रॉप भी कर रहे हैं। इसको कहते हैं सैचुरेशन पॉइंट, कि यहाँ पे कंपनी में एक्टिव लोग, ध्यान से दोस्तों, ज्वाइनिंग्स कम नहीं होगी क्योंकि सब लोग काम कर रहे हैं, कुछ लोग काम नहीं करेंगे, लेकिन जो ज्वाइनिंग्स कर रहे हैं तो कंपनी में ज्वाइनिंग्स तो बढ़ेगी। ओके, लेकिन जो वर्किंग ग्रोथ है, काम करने वाले एक्टिव लोग हैं, वो दोस्तों ऐसा एक टाइम आएगा कि जितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं उतने ही लोग कंपनी को लीव भी कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ओके, या कंपनी को स्विच कर रहे हैं। ओके, यहां तक आपको कंपनी को संभालना है। अब ये आपका सैचुरेशन पॉइंट जो है वो 10,000 टीम मेंबर्स तक भी हो सकता है, 10,000 एक्टिव मेंबर तक भी हो सकता है, 1,00,000 मेंबर तक भी हो सकता है। जितना आपको करना है वो आपको एक बार ध्यान में रखना है। आइडियली 10,000 एक्टिव लोग जब तक नहीं आते हैं तब तक आपको ये जोन आपका नहीं आया है। ओके, और एक बार 1,00,000-2,00,000 लोग आ गए फिर तो आपका ग्रोथ बढ़ने वाला है, लेकिन फिर भी आपको फेज टू में एंट्री कर चुके हो, आपका भले ग्रोथ ज्यादा हो लेकिन ये बात आपको ध्यान में रखना है। अब ये आपका ग्रोथ जोन है। ओके, यहां से लेके यहां तक आपका ग्रोथ जोन है, आपका ग्रोथ होगा। उसके बाद जो है ये आपका स्टेबिलिटी जोन है। ओके, ये स्टेबिलिटी जोन है। अब ग्रोथ जोन, जब आप ग्रो कर रहे हो उस वक्त आपके पास क्या होना चाहिए, सबसे पहले बिजनेस प्लान जो है वो आसान होना चाहिए, क्योंकि डुप्लीकेशंस होगा तभी आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग्स आएगा, एक्टिव लोग रहेंगे। अगर डुप्लीकेशंस नहीं होगा ना तो आपके पास ज्वाइनिंग्स नहीं आएगा। प्लान कैसा होना चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड। पहला जो यू है वो है इजी टू अंडरस्टैंड। आपका बिजनेस प्लान इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, लोग इजीली समझ सके। ऑलरेडी मैंने उसका एक वीडियो बना दिया है जो हमारे एक MLM सूत्रा कोर्स में है, आप उसकी जानकारी यहाँ पे दी गई नंबर पे, आप नंबर पे संपर्क कर सकते हो। MLM सूत्रा कोर्स में आपको हर एक बातों का एक्सप्लेनेशन किया हुआ है। आपका प्लान इजी टू अंडरस्टैंड होना चाहिए, इजी टू एक्सप्लेन होना चाहिए, और दोस्तों इजी टू कन्विंस भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि एक पर्सन कन्विंस तब होता है जब उसको सब अच्छा लगे। ओके, अब आपकी कंपनी में ज्वाइनिंग कैसे आएगा, ज्वाइनिंग तब आएगा जब कोई कन्विंस होगा। कन्विंस कब होगा, जब वो प्लान इजीली समझ पाएगा, किसी ने एक्सप्लेन किया होगा। ओके, अब कोई एक्सप्लेन कब करेगा, जब कोई इजीली अंडरस्टैंड कर पाया होगा।
तो आपका बिजनेस प्लान इजीली अंडरस्टैंड होगा तो लोग इजीली समझ सकेंगे, इजी टू एक्सप्लेन होगा तो लोग जो समझ रहे हैं वो समझा भी सकेंगे, और इजी टू कन्विंस कि जब वो समझा रहे हैं तो सामने वाला बंदा कन्विंस भी होना चाहिए, और कन्विक्शन के ऊपर आपका जर्नी निकलता है। ये ध्यान में रखना, अगर कन्विक्शन नहीं होगा, आपकी टीम मेंबर्स कन्विक्शन कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो दोस्तों आपका जॉइनिंग्स नहीं होगा कंपनी में, और कंपनी में जॉइनिंग्स नहीं होगा तो वो एक जिंदा लाश है, कोई काम की नहीं है। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है, इजी टू कन्विंस आपका प्लान होना चाहिए। भले दो तीन चार प्रकार की इनकम रखो, इतना कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, क्योंकि मैंने देखा है जिस कंपनी में 8 से ज्यादा प्रकार की इनकम है वो शुरुआत में 3 से 6 महीने में ही। ओके, तो मेरा ये कहना है कि प्लान ना, अभी आपको ग्रोथ चाहिए तो सिंपल सा प्लान बनाओ, लोग इजीली समझ सके, लोगों को पैसा मिल सके। आपके ग्राउंड लेवल की टीम को जब तक पैसा नहीं मिलेगा ना, तब तक वो लोग काम नहीं करेंगे, और काम नहीं करेंगे तो ग्रोथ नहीं होगा। तो सबसे पहले आपकी टीम मेंबर्स को विटामिन एम के लिए वो लोग आते हैं तो उनको दो ना। ओके, उनको पैसा चाहिए आपकी कंपनी में तो इजीली पैसा मिल सके, उसके ऊपर आपको काम करना है। अब दोस्तों इसका एक और वीडियो है कि आपकी कंपनी में लोग ज्वाइन क्यों करेंगे, क्या देखते हैं, ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, वो भी हमने एमएलएम सूत्रा कोर्स में रखा हुआ है, आप वो देख सकते हो। एमएलएम सूत्रा कोर्स के लिए यहाँ पे दिया गया लिंक है, नंबर है, वहाँ पे कॉल कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, आप डायरेक्टली हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड करके पूरी जानकारी ले सकते हो। तो मैंने क्या डिस्कस किया कि ये हमारा ग्रोथ जोन है, अब आता है स्टेबिलिटी, कि 10,000 लोग जो एक्टिव मेंबर्स है वो एक्टिव रहने चाहिए। उसके लिए ये जो प्लान है ना, पहले वाला ग्रोथ जोन जो है उसमें आप बाइनरी प्लान लगा सकते हो। अब कुछ लोग कहते हैं बाइनरी प्लान इलीगल है, बाइनरी प्लान इलीगल नहीं है, हमारा एमएलएम सूत्रा कोर्स में हमने गाइडलाइन के बारे में समझाया, जो फ्री में कोर्स है तो वहां पे आप देख सकते हो, बाइनरी प्लान कोई भी इलीगल प्लान नहीं है, ऑटोपुल प्लान इलीगल प्लान नहीं है। बाइनरी प्लान रख सकते हो, ऑटोपुल प्लान रख सकते हो, आप चाहो तो ऐसे प्लान रखो जो सिंपल है। ओके, सिंपल है तो बाइनरी प्लान जो है उसमें विन विन सिचुएशन होता है, इसलिए हम एडवाइस करते हैं कि आप जो है बाइनरी प्लान रख सकते हो। ओके, आपकी मर्जी है, लेकिन ये जो है सबसे इजी और लीडरशिप जनरेशन वाला प्लान है। ओके, प्लान इजी रहेगा, प्रॉफिट आपका हाई होना चाहिए। अगर आपके पास प्रॉफिट होगा, प्रॉफिट यानी कि फ्यूल, मार्जिन यानी कि फ्यूल, और डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि आपका फ्यूल। ओके, आपके पास ज्यादा प्रॉफिट होगा तो आप ज्यादा प्रमोट कर पाएंगे, आप ज्यादा यूट्यूब प्रमोशंस है, सोशल मीडिया प्रमोशंस है, लीडर्स को छोटा मोटा एक्सपेंस दे सकते हो, सैलरी दे सकते हो, कुछ भी कर सकते हो अगर आपके पास प्रॉफिट होगा तो। सेकंड थिंग, मार्जिन्स, आपके पैकेज के ऊपर आपकी कंपनी में मार्जिन्स भी ज्यादा होने चाहिए, प्रॉफिट ज्यादा होगा तो मार्जिन ज्यादा होगा। प्लस डिस्ट्रीब्यूशन, ये बहुत ज़रूरी है, आपके कंपनी में जो लोग जुड़ते हैं, अगर आपका ज्वाइनिंग पैकेज 1,000 रुपये का है तो नए बंदे जो आपकी कंपनी को 1,000 रुपये दे के ज्वाइन करते हैं, उनका पहला यही गोल रहता है कि कैसे मैं इस 1,000 रुपये को कवर करूं। अगर वो 30 दिन के अंदर 1,000 रुपये कवर कर लेता है तो समझ लो वो बंदा आपकी कंपनी में काम करेगा। अगर वो 30 दिन के अंदर 1,000 रुपये कवर नहीं करता है तो समझ लो 90% चांसेस है कि वो छोड़ देगा। ओके, तो ये जरूरी है कि कंपनी में जो नए लोग आ रहे हैं उसकी भी जेब भरे, सिर्फ ऊपर वाले की जेब ना भरे, ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे दोस्तों कम से कम अफोर्डेबल ज्वाइनिंग पैकेज रखो, कोविड का सिचुएशन आपको पता ही है, कोविड में बहुत सारे लोगों के फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ चुके हैं, प्लान अफोर्डेबल होगा तो आपको और मजा आएगा। तो अब 10,000 लोग जो है, अब हम कहाँ पे आ गए हैं, सेचुरेशन पॉइंट पे आ गए हैं। यहां पे दोस्तों अब आपका स्टेबिलिटी शुरू हुआ, शुरुआत में हो सकता है आप पैकेज के ऊपर काम करो, लेकिन अब यहां पे वक्त आ गया है आपके पास रीपर्चेज जो है वो स्टेबिलिटी वाला प्लान है, बाइनरी जो है वो ग्रोथ वाला प्लान है। बाइनरी में लोग आते हैं, जुड़ते हैं, लोगों को जुड़ते हैं। ओके, ग्रोथ, और जो लोग जुड़ चुके हैं एक्चुअली, जो आपकी कंपनी में पैसा ले रहे हैं उनके पास आप रीपर्चेस कराओ। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके पास 10,000 लोगों की टीम है, सबको बोलो कि भाई 2,000 रुपये का हर महीने का परचेस करो, कितना प्रॉफिट आएगा?
दोस्तों आपका 2 करोड़ का रिपर्चेस टर्नओवर हुआ है, उसमें से अगर आपका प्रॉफिट सिर्फ 10% है, फिर भी दोस्तों 2 करोड़ का 10% आपका हर महीने का 20 लाख रुपए का आपका प्रॉफिट फिक्स हो गया। 10,000 लोग सिर्फ 2,000 का रिपर्चेस करेंगे और कुछ काम ही नहीं कर रहे, फिर भी आपको 20 लाख रुपए का बैठे बैठे प्रॉफिट आ रहा है। ये कंपनी का प्रॉफिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये है पावर डुप्लीकेशंस का, ये है पावर ग्रोथ जो हो चुका है उसको स्टेबिलिटी पे भी लाओगे ना तो महीने का 20 लाख बहुत है। कंपनी को ऑफिस का मेंटेनेंस वगैरह जो भी आप करेंगे ना, फिर भी आपके पास काफ़ी अच्छा प्रॉफिट रहेगा। ओके, तो आपके पास एक अच्छी टीम मेंबर्स बन जाए उसके बाद ही आप यहाँ पे रिपर्चेज ला सकते हो। हालांकि अगर आपके पास बजट है तो हाइब्रिड पर बना दो, बाइनरी प्लस जनरेशन, ऑटो पुल प्लस जनरेशन, मैट्रिक्स प्लस जनरेशन, रिपर्चेज जनरेशन इन द सेंस रिपर्चेज। ओके, जनरेशन प्लान के 6 से 8 तरह के अलग अलग मॉडल है, उसके ऊपर हमने MLM सूत्रा कोर्स में बात किया है, आप वो देख सकते हो। तो दोस्तों रिपर्चेज प्लान चाहे 2 लेग हो, 3 लेग हो, मल्टी लेग हो, कोई भी हो, आपका रिपर्चेज प्लान अगर होगा तो आप स्टेबिलिटी में आ जाओगे। अगर आपके पास रिपर्चेज प्लान नहीं है तो दोस्तों मैं आपको एग्जांपल दे दूं रिपर्चेज प्लान न रखने का। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है वहां तक मैं आपको बताता हूं, मुझे किसी ने बताया नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि मुझे ऐसा लगता है। ओके, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, बाकी सच क्या है वो मुझे नहीं पता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि आपने शायद सोनू शर्मा जी का नाम सुना होगा। सोनू शर्मा जी जिसकी जहाँ तक मुझे पता है वहाँ तक वीकली इनकम नेस्वीज जो उनकी पहली कंपनी थी उसमें करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए की वीकली इनकम थी, यानी कि मंथली वो करीब करीब 40 से 50 लाख रुपए की मंथली इनकम ले रहे थे। आपको पता है उनके बहुत बढ़िया मोटिवेशन स्पीकर है और मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेस्वीज कंपनी ने, वो बाइनरी बेस पे चलता है, ओके, तो नेस्वीज कंपनी ने बाइनरी प्लान शुरू किया। उसके बाद क्या हुआ, जब सोनू शर्मा जी की इतने बड़े फैन फॉलोइंग, इतनी बड़ी टीम बन गई, यूट्यूब पे इतने सारे फॉलोवर्स आ गए, और विस्टीज कंपनी के जो है सिद्धार्थ सिंह, उसको बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी और सिद्धार्थ सिंह को अगर कंपेयर करें फैन फॉलोइंग्स के हिसाब से तो दोस्तों सोनू शर्मा जी के फैन फॉलोइंग्स बहुत ज़्यादा है। ओके, दोनों की मैं रिस्पेक्ट करता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे सोनू शर्मा जी जिसके इतने बड़े फैन फॉलोइंग है, फिर भी उनकी मंथली इनकम 40 से 50 लाख रुपए है, और सिद्धार्थ सिंह जिसको विस्टीज के अलावा शायद कोई जानता होगा, तो वो सिद्धार्थ सिंह जो है उनकी दोस्तों मंथली इनकम करीब करीब 1.5 CR के आसपास है। तो एक्चुअली नेस्वीज कंपनी को रिपर्चेस प्लान लॉन्च करना चाहिए। अगर लॉन्च किया होता तो दोस्तों सोनू शर्मा जी उस कंपनी को स्विच नहीं करते, विस्टीज में नहीं जाते। ये मेरा मानना है, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, सच क्या है वो मुझे नहीं पता है। लेकिन दोस्तों सोनू शर्मा जी जो कहते थे कि कंपनी को चेंज नहीं करना चाहिए, उसको मंथली लीडर्स कहते हैं, वो अगर ये कंपनी स्विच कर रहे हैं तो बेशक कोई कारण होगा, क्योंकि वो ऐसे लीडर्स में से नहीं है जो इस तरह की एक्टिविटी करें, लेकिन उन्होंने जो डिसीजन लिया हो सकता है वो बहुत ही सही हो, और मैंने देखा है कि काफ़ी अच्छा उनका ग्रोथ भी हो रहा है विस्टीज के अंदर। तो दोस्तों ये चलो बात है लीडर्स की, लेकिन मेरा एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है, ग्रोथ और स्टेबिलिटी। आपका ग्रोथ जोन और स्टेबिलिटी जोन पहचानना ज़रूरी है। अगर आपने ये नहीं पहचाना तो दोस्तों आपको कंपनी को प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा एडवाइस ये है कि अगर बजट है तो ग्रोथ और स्टेबिलिटी दोनों को साथ में ही लेकर चलो। पहले से सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाओ, हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, आप सॉफ्टवेयर ही ऐसा बनाओ कि दोस्तों जिसमें ग्रोथ बेस्ड प्लान और रीपर्चेज बेस प्लान दोनों साथ में हो, ताकि आपका ग्रोथ जो है वो स्टेबल रहे पहले से ही। ओके, और अगर आपका बजट छोटा है, बहुत कम बजट है, मैं कहता हूं कि सर 1 लाख रुपए का बजट है तो प्लीज मत करिएगा, आप अच्छी सी कंपनी ज्वाइन करो। लेकिन एक अच्छा बजट है, आपके पास अच्छी टीम है, आपको लगता है कि आप कर सकते हो, कॉन्फिडेंस है, तो दोस्तों आप सिर्फ ग्रोथ से शुरुआत करो, लेकिन कुछ समय के बाद आपको रीपर्चेज यानी कि स्टेबिलिटी जोन का प्लान आपको रखना पड़ेगा, तभी आपकी कंपनी, आपकी टीम जो है वो स्टेबल हो पाएगी। हम यहाँ पे नेटवर्क मार्केटिंग में जिंदगी भर काम नहीं करने आए हैं। ओके, कुछ समय के लिए काम को एक्टिव रहो, उसके बाद पैसिव इनकम आपको मिले। हमारे काफ़ी सारे ऐसे मित्र हैं जो आज भी पैसिव इनकम ले रहे हैं, कोविड के टाइम में भी उनको 2.5-3-4 लाख का चेक आ रहा है। ओके, तो ये स्टेबिलिटी वाला प्लान है। आप अगर रीपर्चेस में हो तो आप आराम से अच्छी अच्छी प्रॉफिट कमा सकते हो।
तो आज के टॉपिक में हमने डिस्कवर किया स्टेबिलिटी जोन और ग्रोथ जोन में क्या डिफरेंस है, आपको किस तरीके से प्लान डिजाइन करना है। तो दोस्तों और कोई भी सवाल है आप यहाँ पे दिए गए नंबर पे संपर्क कर सकते हो। हमारा MLM सूत्रा कोर्स है उसको आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और दोस्तों कोई भी सवाल है कमेंट जरूर कीजिएगा, हम आपके साथ है। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा है तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।